कि अगर एक इमोवेबल प्रॉपर्टी किसी ऐसे लोकेशन में एग्जिस्ट करती है जिस लोकेशन पर दो या दो से ज्यादा कोर्ट की जुरिस्टिक्शन है तो मुकदमा किस कोर्ट में फाइल किया जाएगा तो सेक्शन 17 में हमें बताया गया है कि सेक्शन 17 सूट फॉर इमोवेबल प्रॉपर्टी सचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 वेयर सूट इज टू ऑपटेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमोवेबल प्रॉपर्टी यानी कि प्लेंटिव ने जो सूट फाइल किया है उसमें या तो उसको रिलीफ चाहिए या उसने कोई कंपनसेशन क्लेम की है क्योंकि डिफेंडेंट ने उसकी इमूविबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग कमेंट किया है ठीक है कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू एमूवेबल प्रॉपर्टी सचुवेट विद इन जो रिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स और उसकी जो इमोवेबल प्रॉपर्टी है वो दो या दो से ज्यादा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में सिचुएट करती है ठीक है डिफरेंट कोर्ट मतलब के एक से ज़्यादा कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है दिस सूट में भी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स तो ऑफ हुज हुजिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएट यानी कि यहाँ पर प्लेंटिव का ऑप्शन है कि प्लेंटिव उन दो कोर्ट्स में से फॉर एग्जांपल दो कोर्ट्स हैं दोनों कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है उस प्रॉपर्टी पर तो यहाँ पर प्लेंटिव के पास ऑप्शन है कि वो उन दोनों कोर्ट में से किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है मगर शर्त यह है कि जिस कोर्ट में वो सूट फाइल करेगा उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में उस प्रॉपर्टी का पोर्शन होना चाहिए ठीक है प्रोवाइडेड <coughs> डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ़ दब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द इंटायर क्लेम इज इज़ कग्निजल बाई सच कोर्ट मगर शर्त ये है कि सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है उसको मद्द नजर रखते हुए उन दोनों या दो से ज़्यादा कोर्ट्स हैं उनमें से किसी भी एक कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है ठीक है फर्ज कीजिएगा कि अगर एक प्रॉपर्टी है उस पर दो कोर्ट्स की जो रिस्डिक्शन है कोर्ट ए और कोर्ट बी अब कोर्ट ए की जो पिकेन्योरी जुरिस्डिक्शन है फर्ज कीजिएगा कि वो दस लाख है कोर्ट बी की पिकेनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो पचास लाख है अब प्रॉपर्टी जो है वो फर्ज कीजिएगा कि वो बीस लाख की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर अगर कोर्ट ए की जुरिस्डिक्शन है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उस प्रॉपर्टी पर मगर उसकी जो पिकेनरी जुरिस्डिक्शन है वो नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पिकेनरी जुरिस्डिक्शन है वो दस लाख रुपये तक है तो प्लेंटिव जो है वो कोर्ट ए में सूट फाइल नहीं कर सकता ठीक है इंटायर प्रॉपर्टी की वैल्यू को देखा जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल इंटायर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बीस लाख है तो प्लेंटिव जो है वो कोर्ट ए में सूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट ए की जो पैकेनरी जो रिजडक्शन है वो दस लाख है यह सूट जो है यह कोर्ट बी में फाइल किया जाएगा क्योंकि कोर्ट बी की जो पेकेन जो रिजडक्शन है वो पचास लाख है और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की वैल्यू है बीस लाख तो यहाँ पर कोर्ट बी की पैके जो बनता है कि वो उस सूट को एंटरटेन करे अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन का मेन मकसद ये है कि हमें जो सेक्शन है वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए जब तक हमें सेक्शन जो है वो क्लियरली समझ में नहीं आएगा तो Uh, मतलब के बैर एक्ट को रीड करना या बैर एक्ट को जो है वो उसको रट लेना इससे कोई फ़ायदा नहीं है दिस सेक्शन बेसिकली एवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन। यानी कि ये सेक्शन जो है ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को अवॉइड करता है फॉर एग्ज़ाम्पल दो कोर्ट्स हैं तो यहाँ पर प्लेंटिव जो है वो किसी एक कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है जब उसने एक कोर्ट में सूट फाइल कर लिया तो वो दूसरे कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता द सेक्शन स्टेट डेट वेयर इमोवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड विद इन दूरिस्डिक्शन ऑफ टू और मोर कोर्ट अट में कोर्ट वेयर पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सचुएट यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी है जो कि दो या दो से ज्यादा कोर्ट की जुरिस्टिक्शन में सिचुएट है तो यहां पर प्लेंटिव जो है वो किसी एक कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है शर्त यह है कि जिस कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा उस कोर्ट की जुरिस्टिक्शन में उस प्रॉपर्टी का पोर्शन होना जरूरी है इन दिस केस इट इज अपट वेयर ही वॉन्ट्स टू फाइल द सूट सब्जेक्ट टू टू कंडीशन यानी कि अगर यह सिचुएशन है यह केस है तो यहां पर प्लेंटिव के ऑप्शन पर सूट फाइल किया जाएगा मगर दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए यानी कि पलेंटिव सबसे पहले ये दो कंडीशन जो अभी हम स्टडी करेंगे ये सेटिस्फाई होंगे तो प्लेंटिव जो है वो दो या फॉर एग्जांपल दो से ज़्यादा कोर्ट है तो इन तीनों कोर्ट में से किसी भी एक कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है पहला कंडीशन यह है द कंडीशन इज दैट सम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी सिचुएटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सच कोर्ट पहला कंडीशन यह है कि उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए ठीक है द सेकेंड कंडीशन इज दैट सच कोर्ट शुड पोजेस पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ओवर द दर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट एंड दैट देयर शुड बी वन कॉज ऑफ एक्शन सेकेंड कंडीशन क्या है कि एक कॉज़ ऑफ़ एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा उस कोर्ट की पिकेन जुरिस्टिक्शन ओवर द दायर सब्जेक्ट मैटर पर होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉपर्टी है वो दो कोर्ट की जुरिस्ट्रिक्शन में सिचुएट करती है अब ए ने क्या किया कि उसने या प्लेंटिफ ने यह किया कि उसने कोर्ट ए में सूट फाइल कर दिया ठीक है अब ये जो कोर्ट ए है इसकी पिकोनोरी जुरिस्डिक्शन ओवर द एंटायर प्रॉपर्टी होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल एंटायर प्रॉपर्टी की जो कुल कीमत है फॉर एग्ज़ाम्पल वो दस लाख रुपये है कोर्ट ए की जो जुरिस्डिक्शन है पिकोनोरी जुरिस्डिक्शन है वो बीस लाख रुपये है तो कोर्ट ए जो है ये इस सूट को इंटरटेन कर सकती है However, it is cleared from Section 16, the property must be situated in Pakistan. ये तो Section 16 में ही clear किया गया था कि property जो है, वो Pakistan में होनी चाहिए। ठीक है, अगर property Pakistan से बाहर है, तो उस पर Section 16 और जो हमारे CPC के जो sections हैं, वो फिर applicable नहीं होंगे। Applicability of Section 17 in other cases. यानी कि ये जो सेक्शन 17 है इसकी अब हम एप्लीकेबिलिटी देखेंगे कि दीगर और जो केसेस हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिस्टर बी के साथ मॉर्गेज कर दिए ठीक है थीके? और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती है ठीक है अब एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन मिस्टर ए अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिडीम करना चाहता है मगर बी ने इनकार कर दिया अब यहाँ पर सचुएशन यह है कि मिस्टर ए की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती है ठीक है तो इस केस में सूट कहाँ फाइल किया जाएगा तो यह हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पता चला दिस सेक्शन इज इज़लसो एप्लीकेबल वेयर द सूट अराइज आउट ऑफ अ मॉर्गेज ऑफ सिवरल प्रॉपर्टी सिचुएट इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 17 ये एप्लीकेबल है इस केस में भी यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो किसी भी कोर्ट में जिस कोर्ट की जुरस्डिक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है ठीक है वो किसी भी कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकता है मगर शर्त क्या है कि जिस कोर्ट में वो सूट फाइल करेगा उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए की जो प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती थी ठीक है अब कोर्ट ए की जो जुरस्डिक्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पर है ठीक है और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में भी मिस्टर ए की प्रॉपर्टी मौजूद है एक घर वहाँ पर उसका मौजूद है तो यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो डिफरेंट सूट फाइल नहीं करेगा बल्कि एक ही सूट फाइल करेगा वो कोर्ट ए में सूट फाइल कर देगा और कोर्ट ए की जो जजमेंट होगी वो तमाम प्रॉपर्टीज़ पर एप्लीकेबल होगी इट इज़ आल्सो एप्लीकेबल फॉर द पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ सचुएट एट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बाई के दर बाईयों के दरमियान जो है वो बंटवारा हो रहा है ठीक है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में सचुएट करती है तो यहाँ पर किसी भी एक कोर्ट में जाके सूट फाइल किया जाएगा ठीक है मगर शर्त यह है कि जिस कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए ठीक है तो उस कोर्ट की जो जजमेंट uh, होगी वो एप्लीकेबल होगी ऑल प्रॉपर्टीज़ पर इट इज़ आल्सो एप्लीकेबल फॉर द पोजेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ सॉरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ सिचुएट एट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ठीक है यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती है ठीक है और वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए ने उसको इलीगली अपने कब्ज़े में ले लिया है अब मैं डिफरेंट कोर्ट्स में सूट फाइल नहीं करूंगा। मैं जाके किसी भी एक कोर्ट में सूट फाइल करूंगा शर्त वही सेम है कि उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, में मेरी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो उस कोर्ट की जो जजमेंट होगी वो ऑल प्रॉपर्टीज़ पर एप्लीकेबल होगी तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सिनेरियो टाइप का क्वेश्चन देके आपसे पूछा जा सकता है कि इस पर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा तो याद एप्लीकेबल होगा तो आज का जो हव एवर आल्सो ब्रिंग द प्रॉपर्टी इज सच इसका मतलब यह है कि अगर प्लेंटिव चाहता है तो वो सेपरेट सुड भी ला सकता है मगर कौन चाहेगा कि वो अपने आप पर इतना बर्डन जो है वो बढ़ा दे तो डेफिनेटली हर एक शख्स जो है वो प्रेफ़र करेगा एक सूट को ठीक है वो जाके एक सूट ही फ़ाइल करेगा मगर यहाँ पर जो है प्लेंट जो प्लेंटिफ है उसके पास ऑप्शन मौजूद है अगर वो चाहता है तो वो आ, जो है वो सेपरेट सूट भी फाइल कर सकता है तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सेक्शन 17 के मुताबिक था उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा Uh, thank you so much. Take care.